जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला इंसान कंजूस नहीं होता, बल्कि वह किसी का पिता होता है जो अपने सपनों को साकार करने की बजाय अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में ज्यादा नियत रखता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है एक नाबालिग जोड़ा यानी कि नाबालिग बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों खेत के अंदर संबंध बना रहे थे और फिर गांव वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया, फिर उनको पेड़ से बांधकर खूब पीटा और फिर उनकी शादी करवाई मंदिर में और फिर कुछ देर बाद उस लड़की के संदूर को पानी से धो दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है कटिहार के फलका थाना क्षेत्र की, जहां पर एक गांव में दो लड़के और लड़की रहा करते हैं जिनकी उम्र अभी बहुत ही कम है, जो कि नाबालिग हैं दोनों। एक दिन क्या होता है, वह दोनों किसी के खेत के अंदर एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, प्यार की दो बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में वहां पर पड़े हुए होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, गांव के अंदर सुबह सुबह लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और फिर जैसे ही लोग खेतों में घूमने के लिए जाते हैं तो लोगों की नज़र में वो दोनों पड़ जाते हैं और लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और पीटते पीटते उन दोनों को गांव के अंदर ले आते हैं। दोस्तों, दोनों ही बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है, लड़के के माँ बाप को भी, लड़की के माँ बाप को भी, और उन दोनों लड़के और लड़की को पेड़ से बांध दिया जाता है और उनके ऊपर उनके माँ बाप के द्वारा पिटाई लगाई जाती है और गांव के और भी जो लोग होते हैं वे भी उनके ऊपर पिटाई लगाते हैं और कहते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हो, हमारे बच्चे भी ऐसे ही बिगड़ जाएंगे। इस तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गाँव वाले इकट्ठा होकर के उनकी शादी करवा देते हैं, मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी जाती है। उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो सरपंच आता है गांव का और फिर सरपंच चार आदमी एक साथ बिठाता है, एक पंचायत करता है और सरपंच कहता है लोगों से कि यह तो तुमने गलत किया है, अभी इनकी उम्र कम है और यह कानून के खिलाफ है, इनकी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सरपंच फैसला सुनाता है कि लड़की के घर वालों को लड़के के घर वाले 2 लाख रुपये देंगे, लेकिन दोस्तों लड़के के घर वाले मना कर देते हैं पैसा देने से। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सरपंच उन लड़के के घर वालों की कुछ ज़मीन लड़की के नाम कर देता है और लड़की के घर वालों को दे देता है और कहता है कि यही तुम्हारा जुर्म है और यही एक फैसला है जिससे कि हमारे समाज के अंदर आगे से बच्चे ऐसे ना बिगड़ें। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सरपंच ये कहता है दोबारा से कि इनकी शादी हो नहीं सकती, इनकी शादी को रद्द करवाना पड़ेगा और फिर उस लड़की की मांग का संदूर पानी से धो दिया जाता है। दोस्तों, यह घटना गांव के अंदर हो जाती है। आप यहां पे क्या कहना चाहोगे, क्या यहां पर जो सरपंच ने किया वह सही किया था या फिर गांव वालों ने जो किया था उनकी शादी करवा कर वह सही किया था या फिर उन लड़के और लड़की के माँ बाप ने जो वह शर्तें मानी थी और किसी ने नहीं मानी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और एक क्या संदेश मिलता है ऐसी घटनाओं से समाज के अंदर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गांव के अंदर एक दूसरे के पास समीप घर होते हैं और बहन भाई का रिश्ता माना जाता है और बहन भाई के रिश्ते में जब ऐसे कृत्य होते हैं तो बड़ा ही गलत होता है, क्योंकि समाज के अंदर हमारे कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं जिससे कि समाज अच्छे से चल सके, लेकिन जब लोग उन रूल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल्स को, उन नियमों को, कायदे कानूनों को तोड़ते हैं तो फिर एक जन्म होता है एक अपवाद का, जहाँ पर लड़के लड़कियों की जान भी चली जाती है, कई बार उनका आत्मसम्मान गिर जाता है, समाज के अंदर मान सम्मान की हानि होती है, बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती हैं जब हम लोग समाज के खिलाफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उन लड़के और लड़की ने सही किया था या फिर गांव वालों ने सही किया था या फिर सरपंच ने जो ये फैसला किया था यह गलत था या सही था, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, समाज के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो समाज के जो कायदे कानून हैं उनको मानना पड़ेगा, आप बुरा मानिए या भला मानिए वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे अगर आपको समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा स्पेशल थैंक्स का बटन आ चुका है और दोस्तों अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई एडवर्टाइजमेंट हमारे प्रोग्राम में निकलवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से और अपनी एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ की निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।